व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा का आकस्मिक निधन के पश्चात शोक सभा में हो रहे विलंब को लेकर व्यवहार न्यायालय के अन्य अधिवक्ता भड़के और शोक सभा का आयोजन की विरोध करने वाले अधिवक्ताओं को खरी खोटे सुनाते हुए कहा, अधिवक्ताओं के साथ दोहरी नीति नहीं चलेंगे और जाति आधार पर शोक सभा की आयोजन एवं बंदी नहीं होगी। सभी अधिवक्ता एक समान है, सभी के लिए एक तरह का व्यवस्था होगा। किसी के साथ किसी को भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। बताते चले कि अधिवक्ता के निधन पर व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद का सारे कार्य बंद कर दिया जाता है और अधिवक्ता का निधन की सूचना मिलते ही कार्य अवधि में शोक सभा का आयोजन किया जाता है और सारे अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय में अपने कार्य को बंद कर देते हैं। संजय कुमार शर्मा के आकस्मिक निधन पर अधिवक्ता के अनुसार लगभग 90% अधिवक्ता शोक सभा के पक्ष में थे, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा शोक सभा के नाम पर विरोध जताया जा रहा था, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा गया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जाति आधार पर शोक सभा का आयोजन किया जाता है और पूरे दिन व्यवहार न्यायालय के कार्य को बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरे अधिवक्ताओं के निधन पर शोक सभा में काफी विलंब किया जाता है और कहा जाता है कि यह रेगुलर नहीं है, इनके लिए शोक सभा नहीं होगा। कुछ अधिवक्ताओं द्वारा तय किया जाता है कि किनकी शोक सभा होगी और किनकी नहीं होगी, जो बहुत दुख का विषय है। ऐसी परिपाटी को हम सभी विरोध करते हैं। जानबूझ करके सड़कस के खास खास बिरादरी के लोग मरते हैं तो पूर्ण रुपये न बंद कराते हैं और बाकी दूसरे बिरादरी के लोग अगर मर गए तो उसमें ये जो है ये लोग विलम्ब करते हैं और जानबूझ करके ये जो है बंद करने का ये लोगों का कोई नियत नहीं रहता है। रेगुलर और इनरेगुलर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? रेगुलर का कोई सर्टिफिकेट देने वाले बार एसोसिएशन नहीं है। बिहार बार काउंसिल से एनरोलमेंट होता है और यहाँ किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि ये हो कि ये इरेगुलर है या इरेगुलर है। इस संबंध में आप लोगों के बीच आक्रोश है? बिल्कुल, वो व्यक्ति रेगुलर था और बिल्कुल आक्रोश है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं में आक्रोश है। हाँ, इसमें जिला के निर्देशन के पदाधिकारियों का जो निर्णय है वो बिल्कुल गलत है। एक कंसिस्टेंट ऑर्डर होना चाहिए कि बंद होगा या खुलागा, इनका कोई दलान नहीं है घर का, जो जखनी बंद होगा वो बंद करेंगे या खुलेंगे। ऐसी स्थिति में मैं इस बात का बहुत विरोध करता हूँ। ये केवल आपका व्यक्तिगत विरोध है कि बार का सदस्यों का विरोध है? ऐसा नहीं है। इसके बारे में आपको क्या कहना? मेरा यही कहना है कि बार का एक डिसीजन होना चाहिए, आप फुल डे बंद रहेगा या खुला रहेगा, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है स्पष्ट रूप से, जिसके चलते न सिर्फ वकीलों में बल्कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चलिए आप बोलते रहिए।